Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. हिंदी फिल्म जगत में पुलिस अफसर का किरदार निभाना प्रत्येक कलाकार का सपना होता है। अभिनेताओं के साथ ही अभिनेत्रियां भी अपने करियर में वर्दी पहनकर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आना चाहती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खाकी वर्दी में सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाया। रेखा 1991 में फिल्म फूल बने अंगारे में रेखा ने एसपी नम्रता सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म में रजनीकांत ने उनके पति इंस्पेक्टर रंजीत सिंह का किरदार निभाया है। कहानी की बात करें तो एक मेहंदी पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को एक साजिश के तहत मार दिया जाता है ताकि वो मुजरिमों का पर्दाफाश न कर सके। रंजीत के कत्ल के बाद उसकी पत्नी मौत का बदला लेने के लिए पुलिस बल में शामिल होती है। हेमा मालिनी फिल्म अंधा कानून में रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना राव और अमिताभ बच्चन ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म में हेमा मालिनी ने इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह का किरदार अदा किया है। वहीं रजनीकांत उनके भाई विजय कुमार सिंह के किरदार में है। फिल्म की कहानी इंसाफ और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म जख्मी औरत में डिंपल कपाड़िया ने इंस्पेक्टर किरण दत्त का किरदार अदा किया है। अवतार भोगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राज बब्बर सूरज प्रकाश के किरदार में है। ये फिल्म उन महिलाओं के बारे में है जिनके साथ बलात्कार किया जाता है। प्रियंका चोपड़ा 2016 में रिलीज हुई फिल्म जय गंगा जल में प्रियंका चोपड़ा ने आईपीएस आभा माथुर का किरदार निभाया है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई फिल्म गंगा जल का दूसरा भाग है। फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा ने किया है। माधुरी दीक्षित खलनायक 1993 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है और मुख्य किरदार संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने निभाए हैं। ये फिल्म आंखें के बाद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इसने दो फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। फिल्म में माधुरी दीक्षित ने इंस्पेक्टर गंगोत्री का किरदार अदा किया है। रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी पहली बार साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी में पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आई। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था जिसके चलते साल 2019 में इसका दूसरा पार्ट मर्दानी 2 रिलीज हुई। इस फिल्म में भी वो फिर एक बार खाकी वर्दी में नजर आई। तब्बू सुपरहिट फिल्म दृश्यम में तब्बू ने गोवा की आईजी मीरा देशमुख का किरदार अदा किया है। निशिकांत कामत निर्देशित ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी जिसमें अजय देवगन भी मुख्य किरदार में थे। सुष्मिता सेन रॉबी ग्रेवाल निर्देशित फिल्म समय में सुष्मिता सेन ने एसीपी मालविका चौहान का किरदार अदा किया है। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में एसीपी मालविका चौहान कई हत्याओं की जांच करती हैं, जिसमें हत्यारा लोगों की हत्या करने के बाद एक जैसा सुराग छोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।